दादी बड़ी माँ कहाँ? अभी अभी निकले, हमने कहा था बिंदिया से मिलकर जाएंगे, पर उन्हें थोड़ी जल्दी थी। ये सब तुमने कैसे स्वीकार कर लिया? सुनो दादी, लोग बिंदी ने क्या सो देखा बोला कैसे स्वीकार कर लिया आपने? सुनो दादी, कार उठते ही उठ गई। मैम ने कहा लिया बिटिया, तुमने हार स्वीकार किया तो इसीलिए हमने भी हार स्वीकार किया, वैसे हमने स्वीकार कर लिया। अब ये भड़क गई उसके ऊपर सैम, देखा ना इस हार ने सबके मन में कितनी गलतफहमी भर दी है। देखा ना इस हार ने सबके मन में कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा करके रखी, अब आप ही समझाइए इन्हें। सॉरी चार्ल्स, सॉरी देखा ना इहान ने सबके मन में कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा करके रखी, अब आप ही समझाइए। सॉरी दादी, मारो तो कंफ्यूजन भी हो गई, मेरे और बिंदिया जी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर लड़े तो नहीं एक्शन। सॉरी दादी जी, वो माँ को कोई कंफ्यूजन हो गई, मेरे और बिंदिया जी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। विद्या ने कहा आज तो इस गलत फहमी को दूर करना ही पड़ेगा। विंध्या एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारी चीजें मैंने उसको बोली है कि मैं संभाल लूंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कुछ इन लोगों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से रहे, लेकिन उसी चक्कर में मैं अच्छे करने के चक्कर में कुछ कुछ चीजें जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ा सा चीज गलत हो गई और उसकी वजह से विंध्या मुझे डांट रही है बहुत, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है और मैं फिर से इसको ठीक कर दूंगा। तो लेट्स सी कैसे ठीक होगा। माफी मैं इस चीज की मांग रहा था कि एक गलत फहमी पैदा हो गई है कि विंध्या और मैं शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो गलत फहमी पायल ने फैलाई है। सो उसी चीज की माफी मांग रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ कीजिएगा दादी, क्योंकि सबको ये सही लगा।